कस्बे शोपियान में जितने भी फुटपाथ्स हैं उन्हें दुकानदारों ने एनक्रोच किया हुआ है। मुसलसल 2 सालों से हमने इस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश की और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी लाया। फुटपाथ्स अगरचे लोगों को पैदल चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन शोपियान मार्केट का हर एक फुटपाथ आपको दुकानदारों की ओर से एनक्रोच होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये भी एक सबब बनता है शोपियान के अब तक ट्रैफिक निज़ाम का। आज हमने इस मसले को डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की नोटिस में लाया, जिन्होंने अश्योर किया कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये मैंने 1 साल पहले इस स्टोरी को किया था। लोगों को पैदल चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन शोपियान मार्केट का हर एक फुटपाथ आपको दुकानदारों की ओर से एनक्रोच होता हुआ नहीं, ये हमारी है, ये हमारे डिलीवरेबल्स में है, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए मैम, आप देखिए ट्रैफिक जाम कितना होता है लोगों को चलने के लिए। सर, ये हमारा प्रायोरिटी हमारे डिलीवरेबल्स में है, ये हमें करना ही करना। बिल्कुल ये जो एनक्रोचमेंट्स है, एनक्रोचमेंट्स हमें हटानी है, चाहे उसमें हमें एफआईआर लगाने पड़े। ट्रैफिक मैस और लोगों की इनकॉन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी शोपियान से भी बात। शोपियान का मेन मार्केट जो है, खासकर हम अपने टाउन की बात करते हैं, जहां जहां पे भी फुटपाथ्स हैं, फुटपाथ्स तो मेनली लोगों को चलने के लिए होते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो हर एक फुटपाथ दुकानदार की ओर से एनक्रोच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दो साल से मैं लगातार इस पे बात कर रहा हूँ, इस पे मैंने कई स्टोरीज भी की है, एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में भी लाया है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं ला रही है, इसकी क्या वजह है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर अब आप एज अ डायनामिक ऑफिसर ये सेटअप उठाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की नोट्स में भी लाया था, एवं उन्होंने ये भी कहा कि हम उनका एफआईआर भी काट सकते हैं जो ये वायलेशन करते हैं। अब आप अगर ये सेटअप उठाते भी हैं तो ये चंद दिनों तक महदूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इनकॉन्वीनियंस होती है, ट्रैफिक मैस होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नॉट ओनली इन दिस मार्केट, इन एवरी मार्केट दीज वायलेशंस हैपन एंड विच इज ए ग्रेट न्यूसेंस, और इससे बहुत ही इनकॉन्वीनियंस होती है। इसमें मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि आपने जो ये मेरी नोट्स में लाए, इससे पहले भी मेरी नोट्स में था, तो हमारा जो वर्क शेड्यूल है इसके हिसाब से हम अब डिवाइस करेंगे स्ट्रेटजी, सो दैट वी विल बी एबल टू एनफोर्स इट कंटिन्यूअसली। और जो भी इसमें मेजर वायलेटर्स हैं, जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ही हम सख्त से सख्त सजा देंगे। इन द मीन टाइम हमने ऑलरेडी आईसी एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि आप फुटपाथ को एनक्रोच ना करें, और इसमें जो है इमीडिएट एक्शन भी हम लेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा थ्रू आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये बताना चाहूंगा कि सिविक सेंस शुड प्रिवेल। हम कितना भी एनफोर्स करें, जब तक हमारे लोग हमें कॉपरेट ना करें, हमारे शोपियान नाइट्स जो शोपियान के लोग हैं, जब तक ये कॉपरेट ना करें तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और हमें इसमें कोई एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है अगर लोग ये सिविक सेंस प्रिवेल करें। फ्रॉम दिस वीक वी आर गोइंग टू एनफोर्स इट, और उसमें फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये टाइम बीइंग नहीं होना चाहिए, ये किसी थोड़े मुद्दत तक महदूद नहीं होना चाहिए। वी अश्योर योर चैनल के हम जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं, उनको नॉट ओनली उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, बल्कि हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसमें इंक्लूड होगा कि उनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सील भी किया जाएगा। मस्कुरा ऑफिसर ने मसले को संजीदगी से लिया और डिपार्टमेंट की ओर से टीम रवाना करके अनाउंसमेंट करवाई और वायलेटर्स को सख्त सजा देने की यकीन दहानी करके एनक्रोचमेंट्स को हटाने का काम शुरू किया। आपका तौर पर तो इस दिन में आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना जो सामान है वो दुकान के अंदर ही रहे।